सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम लोग करने वाले हैं स्टूडियो टूर, बट उससे पहले आप लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोगों के कारण आज मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, एंड ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा ड्रीम था कि मेरा भी कभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो। सो थैंक यू मेरा ये सपना पूरा करने के लिए। सो गाइस, आज हम लोग करेंगे अपना स्टूडियो टूर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मेरा ये चेयर। इसी चेयर पे मैं घंटों ड्राइंग करते रहता हूँ। सो अगर आप ड्राइंग करते करते बोर हो जाओ तो आप इसमें गोल गोल घूम भी सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना ड्राइंग टेबल रखा हूँ, जो कि आप लोग ड्राइंग के बैकग्राउंड में बोर्ड देखते हो वो एक्चुअली में ये टेबल है। ओके, ये मैं लोकली परचेस किया था, और इसके ऊपर आप लोग 2 डब्बा देख रहे होगे, ये एक्चुअली में सॉफ्ट लाइट है। तो इसे कैसे बनाना है इसका मैं फुल प्रोसेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप चाहो तो उसे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ट्राईपॉड, इसे ओवरहेड ट्राईपॉड कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी चला जाता है, तो रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। इसके बाद यहाँ पे है मेरा माइक, इसका क्या ब्रांड था, माउनो का माइक है। नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी हद तक कर देता है। और नीचे कुछ सामान है, और यहाँ पर मैं कुछ बड़ा पेपर रोल्स रखता हूँ जो बड़े साइज़ का रहता है। और बाकी इन ड्रॉर्स वगैरह में मैं कुछ अपना ब्रशेस वगैरह या फिर छोटा कलर्स वगैरह रखता हूँ। ओके, और पीछे विंडो है, मतलब दिन में जब नेचुरल लाइट चाहिए होता है तो यहाँ से मेरे को नेचुरल लाइट मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सेल्फ है जिसमें कि मेरा सारा आर्ट मटेरियल्स रखा हुआ है। और ये सेल्फ मैं कहीं से ख़रीदा नहीं हूँ, ये मैं लोकली बनवाया था। और इसका जो रैक है ना वो काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा सामान अटता है। बट फिर भी अभी मेरा बहुत ज़्यादा सामान भर गया है, तो मुझे जल्दी से नया कुछ सेल्फ खरीदना पड़ेगा। बट फिलहाल तो इसी से काम चला रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरा टोटल सामान है, एंड मोस्ट फेवरेट मेरा ओहो मार्कर्स यहीं पे रखा हुआ है। ओके, तो इसके बाद नीचे के साइड देखो तो यहाँ पे मेरा एक ऑयल पेंटिंग रखा हुआ है। ये मेरे लाइफ का पहला ऑयल पेंटिंग है, इसके बाद मैं आज तक ऑयल पेंटिंग नहीं बनाया। देखा जाएगा, आगे बनाएंगे हम लोग। सो इसे देख लो नज़दीक से, मतलब ये तकरीबन 3-4 साल पहले बनाया था, एंड तब के टाइम ऐसा बनाया था। सो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ मैं ऐसा ड्राइंग बना लिया। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक कैनवस रखा हुआ है, मैं कुछ स्पेशल पेंटिंग के लिए ये मंगाया हूँ, इस पर ड्राइंग बनाएंगे हम लोग जल्द कुछ भी। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक और विंडो है, बट ये विंडो हम लोग खोलते नहीं है क्योंकि पीछे के साइड गली है, तो वहाँ से धूल वगैरह उड़ता है बहुत, तो हम लोग इसे बंद ही रखते हैं। तो खाली अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ कुछ सामान सजा दिया हूँ, जैसे कि फ्लावर वेस एंड यहाँ छोटा सा ट्राईपॉड कलर्स। एंड ये ट्राईपॉड मैं पहले बहुत यूज़ करता था, बट ये अभी किसी काम का नहीं है क्योंकि ये टूट गया है यहाँ से और इसका कोई अभी काम ही नहीं लगता है उतना। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरा कुछ LED लाइट्स लगा हुआ है, एंड इस लाइट का जो रिफ्लेक्शन आता है पिंक पर्पल टाइप का, वो बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो आपको ये लाइट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद यहाँ ऊपर देखोगे तो वेट किधर गया, अरे मैं यहीं पर रखा था, आई थिंक किसी ने चोरी कर लिया है। तो मुझे लग रहा है मेरा सुपर पावर मुझे यूज करना ही पड़ेगा। सो गाइस, ये मेरा सिल्वर प्ले बटन, एंड ये मैं आज तक नहीं दिखाया था, पता नहीं क्यों नहीं दिखाया था, बट अब तो यार हमारा गोल्ड प्ले बटन आने वाला है यहाँ पे। सो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसे मस्त यहाँ पे लगा देंगे हम लोग। सो थैंक यू सो मच, सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है यार इतना सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। सो गाइस, इसके बाद यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक डेकोरेशन सेल्फ है, ये मैं ऑनलाइन परचेस किया था, आपको 300 से 400 में मिल जाएगा। एंड ये वॉल पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें मैं छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स सजा कर रखा हूँ। एंड फिर मेरा कैनवस छोटा सा मिनी कैनवस पर बनाया हुआ पेंटिंग भी इस पर लगा दिया हूँ, तो इसे दूर से देखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा बेड है, तो ये मेरा स्टूडियो और बेडरूम दोनों है। तो मैं ड्राइंग करके थक जाता हूँ तो यहीं पे एडिटिंग करता हूँ और सो भी जाता हूँ यहीं पे। तो इसके बाद यहाँ पे पीछे देखोगे तो यहाँ पे मेरा कुछ अचीवमेंट्स है जो कि मैं अपने स्कूल लाइफ में जीता हूँ, एंड जितना भी ट्रॉफीज आपको दिख रहा है ये सारा पेंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके मैं जीता हूँ। सो इसे जब भी मैं देखता हूँ तो अपना वो टाइम याद आ जाता है यार, मैं कितना कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया करता था। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे देखो तो ये है हमारा गेमिंग एरिया, बट ये ऐसा कहो कि ये अभी अंडर मेंटेनेंस है क्योंकि ये जो PC है ये गेमिंग PC नहीं है। मैं अपना गेमिंग PC ऑर्डर दे चुका हूँ, जिसमें कि मेरा अभी एक पार्ट आया है जो कि है मदरबोर्ड। तो सारा पार्ट आ जाता है तो मैं गेमिंग PC बिल्ड का भी एक वीडियो बनाऊंगा,
एंड ये स्पेशली मेरे गेमिंग चैनल के लिए होगा। सो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो गेमिंग चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस मैं अपने स्टूडियो को पूरा एक साथ दिखाता हूँ आपको, देखो कैसा लगता है। सो गाइस ये था मेरा स्टूडियो, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और 1 मिलियन की खुशी में मैं एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा हूँ जिसमें कि मैं अपने कुछ दोस्त लोगों को इनवाइट किया हूँ। सो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस हमें ये प्यारा सा 1 मिलियन स्पेशल केक मिला है क्लिफ फैब की तरफ से। सो थैंक यू सो मच क्लिफ फैब फॉर दिस स्पेशल केक। सो गाइस अगर आपको पता नहीं है क्लिफ फैब क्या है, क्लिफ फैब पे पेंटिंग सिंगिंग डांसिंग पे तरह तरह के कंपटीशन होते रहता है। आपको इनमें से जो भी हॉबी पसंद है आपको बस उन चैलेंजेस के ऊपर वीडियो अपलोड करना है और हर महीने बहुत लोग प्राइजेस जीतते हैं, आप भी बड़े आराम से जीत सकते हो। तो ऐप का लिंक मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। Seconds later. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। सो गाइस फिलहाल वीडियो में इतना ही, और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करते रहना, हमें साथ में मिलकर आगे और भी बहुत कुछ अचीव करना है। सो गाइस चलो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।